लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एटीएस कमांडो ने आत्महत्या कर ली है। तो एटीएस मुख्यालय में गोली मारकर सुसाइड किया गया है। बृजेश कुमार यादव ने अपनी ही लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मार ली। तो सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के एटीएस मुख्यालय की घटना है, जहां पर एटीएस मुख्यालय के सरकारी बैरक में रहते थे बृजेश कुमार यादव, और आज इन्होंने अपने लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। ब्रजेश को आज सुबह ही अपने घर गोरखपुर के लिए जाना था। पुलिस के मुताबिक रात में फोन पर पत्नी से कुछ कहा सुनी हुई, और जिसके बाद हो सकता है कि कदम उनके जरिए उठाया गया हो। तो आज ही घर जाना था, गोरखपुर के रहने वाले थे, लेकिन रात को पत्नी से फोन पर कुछ अनबन हुई, जिसके बाद आज सुबह अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। हालांकि फिलहाल कई बिंदुओं से इस मामले को देखा जा रहा है, जांच यहां पर की जा रही है। तो सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के एटीएस मुख्यालय की यह घटना है, जहां पर सरकारी बैरक में बृजेश कुमार यादव रहते थे, लेकिन आज ही इन्होंने अपने बैरक में ही गोली मारकर आत्महत्या कर ली।